कौन? आज भिडियो माध्यम आम चंद्रग्रहण स्पर्श समय ठारु आरंभ करी मोक्ष प्राप्ति पर्यंत समस्त समय सीमा ओडिशा रे केउ समय रे दृश्यमान हेबो सूतक समय बा हांडी छाड़ा समय ओ पोइत बंदाणर समय विषय रे संपूर्ण भाव रे जानिबा जहा कि पांजीर निर्भुल गणनारु संगृहित अटे। एही भिडियो रे शेष रे रहिछि चंद्रग्रहण समय रे कौन करिबे ओ कौन करिबे नाही, गर्भवती महिला माने किपरि सावधान रहिबे एवं केउ राशि मानक उपरे अशुभ प्रभाव पड़िबो एवं केउ राशि मानक उपरे शुभ प्रभाव पड़िबो तेबे आसंतु जानिबा। ता पूर्वर आपण मानक अनुरोध एही वीडियो को गोटे लाइक करनियंतु एवं जदि आपण माने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करिनांती ताहाले वर्तमान ही सब्सक्राइब करनियंतु तेबे आसंतु जानिबा। बंधुगण, चंद्रग्रहण हेउ बा सूर्यपराग एही महाजागतिक दृश्य सूर्य चंद्र एवं पृथ्वीर विशेष अवस्थान को नहीं घटी थाए। प्रत्येक दिन महाकाश रे ग्रह और नक्षत्र मानकर अवस्थान रे केतेटा परिवर्तन कारण रु प्रत्येक दिन तिथि और नक्षत्र अलग अलग होइथाए। सूर्यंकर चारिपटे पृथ्वी एवं पृथ्वीर चारिपटे चंद्र सबुबेले परिक्रमा करिथांती। जेतेबेले सूर्य पृथ्वी और चंद्र गोटे सरल रेखा अवस्थान करिथांती सेतेबेले पृथ्वी पृष्ठ रे चंद्रग्रहण लागिथाए। साधारणतः ग्रहण लागिबार 9 घंटा बा 3 प्रहर पूर्वरु एवं पराग लागिबार 12 घंटा बा 4 प्रहर पूर्वरु पाक निषेध बा हांडी छाड़ करा जाय थाए। एही समय को आमे सूतक समय मध्य कहिथाउ। एही ग्रहण लागुथिबा समय रे खाद्य ग्रहण करिबा को बारण करा जाय अछि, कारण ग्रहण बा पराग लागिबा समय रे पेट खाली रहिबा आम पई भलो एवं पेटरे किछि खाद्य पदार्थ न रहिबा ही भलो। तेणु साधारणतः चंद्रग्रहण लागिबार 9 घंटा पूर्वरु हांडी छाड़ करा जाय थाए। जेहेतु एहा चंद्रग्रहण, तेबे एही चंद्रग्रहण सूतक समय बा पाक निषेधर समय हेउछि 8 नवंबर 2022 मंगलवार सकाळ 5:40 रु आरंभ हेबो एवं संध्या 6:18 पर्यंत लागि रहिबो। एही समय रे देवनीति रंधन कार्य और भोजन कार्य को बारण करा जायछि। सूतक काल समाप्त हेबा परे स्नान कार्य करी चंद्रदेव को दर्शन करिला परे जाय देव कार्य संध्या आरती एवं रंधन कार्य आरंभ करि पारिबे। एही सूतक काल शिशु वृद्ध व्यक्ति और रोगी मानक पई पालनीय नुहे। एही चंद्रग्रहण रो ग्रास समय बा ग्रहण लागिबार समय हेउछि 8 नवंबर मंगलवार दिन 2:40 रु आरंभ हेबो एवं संध्या 6:18 रे शेष हेबो। एही चंद्रग्रहण महाकाश रे प्राय 3:38 एवं 36 सेकेंड पर्यंत लागि रहिबो, किंतु चंद्र उदय संध्या 5:10 रु आरंभ हेउथिबारु एही चंद्रग्रहण ओडिशा रे संध्या 5:10 रु आरंभ हुई संध्या 6:18 पर्यंत ओडिशा रे दृश्यमान हेबो। एही समय रे आपण माने चंद्रग्रहण देखिबा पई ओडिशा रे पाई पारिबे। एही ग्रहण ओडिशा रे प्राय 1 घंटा 8 मिनिट एवं 36 सेकेंड पर्यंत दृश्यमान हेबो। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही चंद्रग्रहण कारणरु ग्रह नक्षत्र मानंकर स्थान रे केतेटा परिवर्तन देखा देबा पई जाउछि। ग्रह मानंकर परिवर्तन कारणरु किछि राशि मानंक उपरे अशुभ प्रभाव पड़िबा पई जाउथिबा बेले केतेक राशि मानंक उपरे एही चंद्रग्रहणर शुभ प्रभाव पड़िबा पई जाउछि। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानंक मध्यरु केवल एही 8टी राशि मानंक उपरे एही चंद्रग्रहणर शुभ प्रभाव पड़िबा पई जाउछि। तेबे सेही सबु भाग्यशाली राशि माने हेउछन्ती वृष राशि, मिथुन राशि, कर्कट राशि, कन्या राशि, तुला राशि, बिछा राशि, मकर राशि एवं कुंभ राशि। एति सहित मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि एवं मीन राशि रो व्यक्ति विशेष मानक उपरे एही चंद्रग्रहण रो अशुभ प्रभाव पड़िबा पई जाउछि। तेणु एही चारिटी राशि रो व्यक्ति विशेष माने चंद्रग्रहण लागुथिबा समय रे सावधान रहिबा को चेष्टा करंतु एवं भगवानंकर नाम जप करंतु।
एबे आसंतु जानिबा गर्भवती महिला माने एही चंद्रग्रहण लागुथिबा समय रे किपरि सावधान रहिबे। एही समय गर्भवती महिला मानक पई बहुत अशुभ एवं संवेदनशील होइथिबारु सेमानंकु सावधान रहिबा सहित चंद्रग्रहण देखिबा पई मध्य बारण करा जाइछि। ग्रहण लागिबा समय रे गर्भवती महिला माने कोनोसी जिनिस कटाकटी बा कोनोसी कपड़ा आदि सिलई करंतु नाही, नचेत एहार कुप्रभाव गर्भरे बढ़ुथिबा शिशु परे सीधासळख भावरे पड़िथाय। एथिसहित ग्रहण लागुथिबा समय रे कळा रंगर वस्त्र परिधान करिबा गर्भवती महिला मानक पई उचित नुहे एवं बाहर को मध्य बाहरिबा उचित नुहे। चंद्रग्रहण समय रे जदि चंद्रर छाया कोनोसी भी गर्भवती महिला मानक उपरे पड़ि जाय तेबे तांकर गर्भर बढ़ुथिबा शिशु को शारीरिक दोष लागि जाइथाय, जा भविष्यतरे बहुत बड़ समस्या मान सृष्टि करिथाय। तेणु गर्भवती महिला माने एही चंद्रग्रहण लागुथिबा समय रे बाहर को बाहरंतु नाही एवं सावधान रहिबा पई चेष्टा करंतु। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे एही समय सीमा मध्यरे केतेक कार्य मध्य करिबा पई बारण करा जाइछि। तेबे आसंतु जानिबा पराग लागुथिबा समय रे बा ग्रहण लागुथिबा समय रे केउ कार्य सबु करिबा अनुचित, जहाद्वारा आमको बहुत असुविधार सम्मुखीन करिबा पई पड़िथाय। नंबर 1, खाद्य तयारी करंतु नाही। चंद्रग्रहण समय रे खाद्य पदार्थ रोसेई करिबाकु अशुभ मना जाइथाय। एही समय रे रंधा होइथिबा खाद्य ज्योतिष शास्त्र अनुसार अशुद्ध होइथाय। एथिपई आपण माने चंद्रग्रहण लागुथिबा समय रे रोसेई कार्य केबे हेले करंतु नाही। नंबर 2, चंद्रग्रहण समय रे खाद्य ग्रहण करंतु नाही। एही समय रे रंधा जाइथिबा खाद्य ग्रहण करिबा शास्त्र अनुसार निषेध अटे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्रग्रहण समय रंधा होइथिबा खाद्य खाइले एहा आम शरीर उपरे कुप्रभाव पकाइथाय। तेणु ग्रहण बा पराग लागुथिबा समय रे सुखिला खाद्य पदार्थ बा फलमूल आदि खाइबा ठीक अटे। जदि आपणकु अति आवश्यक अटे तबे खाद्य रे तुलसी पत्र पकाइ रखी एहाकु सेवन करिपारिबे। नंबर 3, चंद्रग्रहण समय रे कोनोसी शुभ कार्य करंतु नाही एवं कोनोसी शुभ कार्य करिबाकु मध्य गृह मध्यरे आलोचना करंतु नाही, एहा द्वारा आपणक परिवार उपरे अनिष्ट होइथाय। नंबर 4, ग्रहण समय रे देवी देवतांकर पूजा निषेध अटे। चंद्रग्रहण समय रे कोनोसी प्रकारर आळती एवं पूजा इत्यादि करिबा वर्जनीय, एमिति करिबा द्वारा गृह मध्यरे दारिद्रता लागि रहिथाय। तेणु चंद्रग्रहण समय रे ठाकुर पूजा करंतु नाही एवं एही समय रे ठाकुर घर को संपूर्ण भाव रे बंद करी रखंतु। एवं जदि आपणकर ठाकुर घर रे दरजा नाही तेबे आपण माने गोटे कपड़ा मध्य पकाई परिबे। नंबर 5, चंद्रग्रहण समय रे अन्नदान करिबा उत्तम समय अटे। एमिति कुहा जाय कि चंद्रग्रहण समय रे अन्नदान करिले शरीर रे कोनोसी रोग इत्यादि होइनथाय। तेणु ग्रहण शेष होबा परे स्नान करिबा ओ पिंधितिबा वस्त्र को धोई नेबा उचित एवं निज घरे गंगा जल छिंचन करि पवित्र करिनेबा उचित। एहा परे आपणकर सामर्थ्य अनुसार दुखी दरिद्र लोकमानंकु किछि अर्ण आदि भोजन दान कले आपणकु शुभ फल प्राप्ति हेब। नंबर 6, चंद्रग्रहण समय रे कहा सह कथा होंतु नाही ओ सही समय रे भगवानंकर माला जप करंतु। एहा द्वारा ग्रहर खराब प्रभाव आपणक उपरे पड़ि पारि नथाय एवं चंद्रग्रहण समय रे चंद्रंक ठारु आसुथिबा छाई बा किरण अत्यंत क्षतिकारक होइथाय। तेणु एथिपई ग्रहण समय रे आपण माने समस्त कबाट ओ झरका आदि बंद रखिबा ठीक हेब, जहाद्वारा चंद्रंकर छाई आपणक गृह मध्यरे प्रवेश करिपारिबो नाही। नंबर 7, चंद्रग्रहण समय रे शारीरिक संपर्क रखंतु नाही। एही समय रे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव अधिक रहिथिबा हेतु विवाहित पुरुष ओ महिला माने शारीरिक संपर्क रखंतु नाही, एहाकु ज्योतिष शास्त्र रे अशुभ मना जाय अछि। एहा द्वारा आपणकर संपर्क रे फाटा सृष्टि होइथाय एवं एहार कुप्रभाव आपणकर संतान मानक उपरे बहुत भाव रे पड़िथाय। तेणु एही समय रे केबे हेले शारीरिक संपर्क रखिबा पई मध्य चेष्टा करंतु नाही। नंबर 8, ग्रहण समय रे कोनोसी गछ सह लागिबा बा पत्र एवं फूल फल आदि तोळिबा उचित नुहे, एहा द्वारा मध्य हानि होइथाय। नंबर 9, ज्योतिष शास्त्र अनुसार कोनोसी चंद्रग्रहण समय रे नख बा चुटी काटिबा उचित नुहे, एमिति कले अशुभ होइथाय। नंबर 10, चंद्रग्रहण समय रे
କୌଣସି ଗରିବ ବା ଅସହାୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।